फर्स्ट टाइम है ओपन माइक शो में। एक भाई थे, उन्होंने कुछ कहा था चांद के लिए। हमारा देश जो है वो चांद अभी नहीं बन पाया है, मगर वहाँ चांद पे चीजें जाने लगी हैं, चंद्रयान गया था। तो उसके लिए मेरे पास, जैसे अगर चांद की बात हो रही, चांद तो पाकिस्तान भी है वैसे अगर देखा जाए। जैसे चांद पे पानी है, वहाँ भी नहीं है। वहाँ पे हवा है, पाकिस्तान में भी नहीं है। वहां पे खाना वगैरह है, वहां भी नहीं है। तो मेरा मतलब ये, जैसे चांद तो सब बनना चाहते हैं, हमारा देश सूरज बनेगा, जिसे मतलब बाकी सारे लोग जलें कि ये इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। तो हमें अपना देश सूरज बनाना है, ना कि चांद। तो अच्छा, मैं ज्यादा टाइम में बर्बाद करते हुए कविता कहता हूँ। स्टार्टिंग में कुछ कहना चाहता हूँ कि उस कटी हुई पतंग का रुख तो हमारी तरफ ही था, कि उस कटी हुई पतंग का रुख तो हमारी ही तरफ था, मगर कमबख्त उसे भी बड़े मकान वाले लूट ले गए। तो अब मैं अपनी नज़्म शुरू करता हूँ। कि जिंदगी कितनी हसीन होती जो तू साथ होती, कि जिंदगी कितनी हसीन होती जो तू साथ होती, पर जिंदगी और हसीन होती जो तू कभी मिली ना होती। यूं रोज रोज खुद से सवाल ना होते, ये हरी भरी जिंदगी में किसी की कमी खली ना होती, अगर तू उस रोज मुझसे मिली ना होती। अच्छा, ये सब जो बातें हैं वो मैंने अपनी मम्मी को बताई थी। जैसे जब मेरा ब्रेकअप हुआ था तो मैंने ये सब बताया था, काफ़ी डांट वगैरह पड़ी, तो मैंने उन्हें बताया था कि मतलब मेरे साथ क्या क्या हुआ ब्रेकअप के बाद, मैंने कितना क्या रोया, कितना क्या गिड़गिड़ाया, ये सब बताया था। तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये सब जान के, कि मतलब आज तक अभी कोई झुका नहीं पाया, और कोई बंदा है या बंदी है जिसने इतना रुलाया है, लोग इतना रुलाया है। तो उनका ये कहना रहता था कि जैसे मेरे दिल में जो बातें हैं तो मैं उनसे अपनी बयां कर देता हूँ, मगर वो किससे कहें, वो अपने जो वो झेलती हैं, जैसे उनें काफ़ी दुख होता है ये सब सुन के, तो वो किससे कहेंगी। तो उसके बाद मैंने ये कुछ लिखा था कि वही आवारा मनचले लड़के होते हम, दुनिया की दौड़ भाग से थक के चैन से माँ की गोद में सोते हम, कि वही आवारा मनचले लड़के होते हम, दुनिया की दौड़ भाग से थक के चैन से माँ की गोद में सोते हम, इसी चीज़ की परवाह ना होती, यूँ हर रोज़ माँ बाप से छुप के हमारे हाथों में सिगरेट ये जली ना होती, दुनिया के तमाम नशों की लत हमें यूं ही लगी ना होती, जो तू पास होती तो जिंदगी हसीन होती, जिंदगी और हसीन होती जो तू कभी मिली ना होती। उजालों से डरता नहीं दिल ये मेरा, भीड़ को देख के दिल में बेचैनी मची नहीं होती, उजालों से डरता नहीं दिल ये मेरा, भीड़ को देख के दिल में बेचैनी मची ना होती, अच्छा होता जो तू साथ होती, मगर जिंदगी और हसीन होती जो तू कभी हमसे मिली ना होती। और सब सवाल एक तरफ, और सब सवाल एक तरफ, 20 की उम्र में, उम्र से पहले, आजकल ना ट्रेंड चल रहा है 19-20 साल के लोग दाढ़ी रखते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, कि जैसे गम में रखते हैं, तो उसी के लिए मैंने लिखा है कि सब सवाल एक तरफ, 20 की उम्र में, उम्र से पहले चेहरे पर ये दाढ़ी होगी नहीं होती, हम भी आज बाकियों की तरह दिल से हंसते, यूँ चेहरे पे ये झूठी हंसी रखने की हमें भी कभी ज़रूरत ना होती। अगर तू उस दिन कॉलेज में डिपार्टमेंट के सामने, सबके सामने अपनी सहेलियों को पीछे करके मुझसे हंस के आके मिली ना होती, जिंदगी कितनी हसीन होती जो तू साथ होती, जिंदगी और हसीन होती जो तू कभी हमसे मिली ना होती।